वेलकम माय यूट्यूब चैनल डिकोड। आज मैं एक ऐसी राजनीतिक विश्लेषण करने जा रहा हूं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपने तो एक कहावत सुना होगा, जब पहिए का चक्र घूमता है तो ऐसी ऐसी काम हो जाते हैं जिनकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो आजकल ब्रिटेन के राजनीतिक में एक नाम, भारतीय नाम ऋषि सुनक बड़ी ही चर्चित पे है। ब्रिटेन के लोग यहाँ तक मान रहे हैं कि आने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो सकते हैं। यदि यह होता है तो क्या होगा, यदि यह होता है तो इतिहास के पन्नों में ऋषि सुनक का नाम दर्ज होगा और यह एक काल चक्र परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण होगा। जी हाँ, एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसी दौर पर ब्रिटेन के शासकों ने हमारे भारत को जम के लूटा था और हमारे लोगों को गुलाम बनाकर अपमानित किया करते थे और लोगों को नरसंहार किया करते थे। आज उसी देश के एक नाम, भारतीय नाम ऋषि सुनक, भारत ब्रिटेन की सत्ता से सिर्फ एक कदम दूर है। यदि यह होता है तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ, क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। यदि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे तो क्या होगा। चलिए आप बताते हैं, ऋषि सुनक भारत से लेके ब्रिटेन के राजनीतिक तक का सफर क्या है। ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर को जानने से पहले हम उनका भारत के साथ संबंध क्या उस पर डिकोड करेंगे। सन 1960 के दशक में उनके दादाजी पंजाब से उठ के ब्रिटेन में जाके बसे थे और उनके पिताजी यशवीर सुनक एक डॉक्टर थे और उनके माता सुधा सुनक एक फार्मासिस्ट थी। और इनके अलावा ऋषि सुनक जी ने भारत के अमीर उद्योगपति और इंफोसिस के डायरेक्टर एन आर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के दामाद हैं। एन आर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से सन 2009 में उन्होंने विवाह किया था। पिछले 7 वर्ष में कैसे एक सांसद से उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। ऋषि सुनक सिर्फ अभी 42 साल के हैं। 2015 में जब उन्होंने यॉर्कशायर के रिचमंड में कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद चुने गए थे, वह दौर था जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रेक्सिट नाम का अभियान चला रहा था और उस अभियान में ऋषि सुनक जी ने बोरिस जॉनसन का समर्थन किया था। और उसी समय ऋषि सुनक जी ने बोरिस जॉनसन के नजरों में आ गए थे और फिर से दोबारा 2019 में उन्होंने सांसद बने और उसी दौरान बोरिस जॉनसन जी ने 2019 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया। और उसी दौरान बोरिस जॉनसन जी ने अपने कैबिनेट में ऋषि सुनक जी को एज अ वित्त मंत्री का पदभार दिया। और जब ऋषि सुनक जी वित्त मंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे तभी उसी दौरान उन्होंने गीता पर हाथ रख के उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और आपको यह वीडियो क्लिप देखना चाहिए और वो लोगों को देखना चाहिए जो भारत से तो बाहर चले जाते हैं लेकिन वह अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। भले ही ऋषि सुनक जी ने भारत में ना रहते हुए उनका परवरिश ब्रिटेन में हुआ है लेकिन अभी भी उनका सांस्कृतिक भारत से जुड़े हुए हैं। ऋषि सुनक जी का पॉलिटिकल पावर तब देखा गया था जब कोविड-19 के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ढीली पड़ गई थी, तभी उनका असली पावर दिखा था और वह उसमें सफल हुए थे। और अब हम ये जानेंगे, यह लेटेस्ट है कि जो उनके पार्टी के कंजर्वेटिव पार्टी से 3 सदस्य हैं। पहली सदस्य लीज ट्रस्ट को 113 सीट मिले हैं और पेनी मॉडरेंट को 105 सीटें मिले हैं और खुद ऋषि सुनक जी को टोटल 137 वोट मिले हुए हैं। ब्रिटेन के कुल सांसद 650 हैं जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद 357 हैं और वोटिंग के दौरान 355 सांसदों ने वैलेट के थ्रू वोट किया था, जिनमें से तीनों सदस्य को लीज ट्रस्ट को 113 सीट मिले थे और पेनी ड्रॉन्ट को 105 सीट मिले थे और ऋषि सुनक जी को 137 सीट मिले थे। अब उनको कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा 2 लाख सदस्यों को अनुरोध करना है और अपनी ओर आकर्षित करना है और वोट उनसे लेना है और तभी जाके वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण कर सकेंगे। आज के लिए इतने ही, हम फिर से मिलेंगे अगले डिकोड विश्लेषण में। जय हिंद।